hi everyone good afternoon welcome to an academy can you all see me properly आवाज भी आ रही है दिखाई भी दे रहा है सेशन में चैप्टर को खत्म करने के लिए हम रेडी हैं। सो यस वेलकम टू येडमी एंड टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश आवर चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जिस चैप्टर का आपको इतने दिन से ताई दिन से दिल इंतजार था एंड टेल यू दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर नीट एग्जामिनेशन क्योंकि तीन क्वेश्चन डायरेक्ट बनते और डायरेक्ट एनसीआर बेस्ड बस अपने को इस चैप्टर को अच्छे से समझना है और इस चैप्टर को बारी बारी रीड कर करके याद करना है दो लेक्चर्स uh, इसके ऑलरेडी हो चुके हैं थोड़े थोड़े बड़े लेक्चर्स थे इसलिए आप

है ना ये फायदा होता है बेटा आपसे आपसे आपका कॉम्पिटिशन बढ़ता है यार कितना ज्यादा अजीब लगता है इट हैज हैपनिंग विद मी सिंस लास्ट टू डेज आने लगती है और आती नहीं है यू नो द फीलिंग ना कि जस्ट यू नो आने वाली है ठीक की बात कर रही हूं मैं आने वाली है लेकिन आई नहीं वो रुक गई सो बैड यार आई जाती आई जाती चलो कल भी ऐसा हुआ था आज भी ऐसा हुआ था पता नहीं कब आएगी एंड इट इट फील्स वेरी बैड ना अजीब सा हो जाता है अंदर कोई बात नहीं इस अजीब सी फीलिंग को ठीक कर लेते हैं अपने लोग आज के चैप्टर से दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ठीक है जी चलो अच्छा एक बात बता दो जरा मुझे पोल में किस में बताएंगे पोल में बताएंगे कि जितना मैंने चैप्टर आपको करा दिया है वो कितने बच्चों ने याद कर लिया है कितने बच्चों ने उसको रिवाइज किया जरा बताएंगे Yes, खुद से ऑप्शन है यू योर सेल्फ है ऑप्शन आप चैट को हाइड कर सकते हैं ऑफ करने की जरूरत नहीं यू कैन हाइड इट ओके तो मेरी क्लास के जो रेगुलर बच्चे हैं एट्टी वन परसेंट कितने एट्टी वन परसेंट बच्चों ने इसको रिवाइज किया भैया बाकी सीन है बाकियों का क्या बाकियों का क्या सीन है बाकियों को कोई जरूरत नहीं इस चैप्टर के तीन नंबर फ्री में लेने के लिए बेटा मैं बता रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर आएंगे इस चैप्टर में से अगर आपने इस चैप्टर को दो तीन बारी रिवाइज कर लिया ये एक आपको सैटरडे संडे में करना चाहिए था और एक आपको बेटा आज शाम को करना चाहिए ताकि आपकी दो रिविजन तो अभी की अभी हो जाए और मैं बता रही हूँ इस चैप्टर को दस बारी पढ़ लेना चालीस बारी पढ़ लेना कितनी बारी पढ़ लो लेकिन अगर आप अगर आप इसकी रिविजन छोड़ेंगे तो यार ये चैप्टर कभी याद नहीं होगा इसके क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होंगे क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहे हैं डायरेक्ट एग्जाम्पल में से आ रहे हैं टीनो मॉर्फिकायफिक आप जानते हैं हमारी जो सीरीज चल रही है कौन सी सीरीज चल रही है हाँ जी डेली बेटा अपनी सीरीज चल रही है दैट इज मैराथन सीरीज आप इसका हिस्सा है या नहीं है तीन क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं और पिछले हफ्ते सैटरडे को हमने इस सीरीज में किया था ट्वेंटी ट्वेंटी टू का पेपर आपने देखा था क्वेश्चन कहां से आया था जो हमने सुबह किया था वही गुलमोहर अकेशिया वाला क्वेश्चन आया था ये क्वेश्चन तो यहीं से आने नोट्स में से आने एनसीईआरटी में से आने इससे बाहर कुछ नहीं आना द ओनली थिंग दैट दैट विल मैटर एट टाइम इज किस बच्चे को वो चीज याद है नहीं तो मैं बताऊं पेपर में बैठ के क्या फीलिंग आती है पेपर में बैठ के फीलिंग आती है यार पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा है ऐसा किस किस के साथ मॉक टेस्ट में हुआ है ऐसा किस किस के साथ मॉक टेस्ट में हुआ है कि यार पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा है किस किस के साथ हुआ मॉक टेस्ट में बताओ मॉक टेस्ट में ऐसा किस किस बच्चे के साथ ऐसा हुआ हुआ, हुआ है कि पढ़ा तो था पर याद नहीं आ रहा है है ना आप कहोगे मैम हमें तो सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि यार पढ़ा तो था है ना सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि यार पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा है यार कहीं तो देखा था मैम ने बताया तो था यार नोट्स में ना इस पेज पे नीचे के एक डब्बे में लिखा हुआ है अब वो नीचे का डब्बा किसी को याद ही नहीं है बस इतना पता है कि डब्बे में लिखा हुआ है है ना 92% बच्चों के साथ होता है और ये कहानी बायो की नहीं है ये कहानी फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी है और इसका रीजन पता है क्या है द ओनली रीजन ऑफ दिस स्टोरी इज लैक ऑफ रिविजन लैक ऑफ रिविजन कल एक बच्चे का मुझे फोन भी आया

क्या आपने इस टेस्ट से पहले को रिवाइज किया? हर आंसर नो। नहीं मैम अभी तो नहीं देखा था किस चीज को ओवर कॉन्फिडेंस है भैया तुम्हें है कि पढ़ी थी दो महीने पहले पढ़ी थी एक महीने पहले पढ़ी थी और टेस्ट ऐसे देने चल दिए कोई फायदा नहीं होगा बेटा ऐसे टेस्ट का बिना रिवीजन के टेस्ट दोगे तुम्हारा वो तीन घंटा भी बर्बाद है यार मत दो मत दो ऐसे टेस्ट तो टेस्ट में बैठा करो रिवाइज करके बैठा करो और इस हफ्ते भी आपका टेस्ट होगा जैसे हर हफ्ते होता है मैं सोच रही हूं बेटा इस हफ्ते रखा जाए सबसे टिपिकल यूनिट यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज गोइंग टू बी जेनेटिक्स के दो चैप्टर क्या कहते हो मैंने बहुत डिटेल में कराया क्या कहते हो बेटा जेनेटिक्स के दो चैप्टर इस संडे संडे को क्या डेट है संडे को क्या डेट है संडे को डेट है अपनी ट्वेंटी सिक्स ऑफ फेब्रुवरी 26, क्योंकि मैं तुम्हें रिवाइज रिवाइज करा के छोडूंगी अभी अपने ये कर रहे हैं बट वो भी जो अपना बारह बजे एग्जाम होगा उसमें बेटा सिलेबस रहेगा आपका जेनेटिक्स यूनिट जिसमें मैं दो चैप्टर रखूंगी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आपके पास अभी पूरे के पूरे छे दिन है छह इन ट्वेंटी फोर कर लो निकालने पड़ेंगे तीन गंते, तीन गंते या दो घंटे जिसमें आप उस चैप्टर के नोट्स को को रिवाइज करेंगे करेंगे उसके एनसीईआरटी रीड ठीक है जी हाँ जी बेटा सारी चीजें पूरी होंगी आप ये क्यों बारी बारी लिखते हो एनाटॉमी कब होगा बेटा मोरफो खत्म होगी तभी होगा ना हम कर रहे हैं हर दिन करके वी आर डूइंग इट और आपका बाकी का सिलेबस तो डन है बेटा रिविजन करो रिविजन करो है ना डेट इनको पहले लिख के दे दो भैया ये किस दिन होगा ये किस दिन होगा बेटा मैं लिख के दे देती हूँ परसों होगा नोटमी क्योंकि कल मुझे फ्लोरल फैमिलीज आपको ट्रिक्स बतानी है कल का जो दिन है कल का जो दिन है बेटा वो फ्लोरल फैमिलीज की आपको ट्रिक्स बतानी है तो परसों होगा नोटमी ठीक है शांति पड़ शांति पड़गी क्लास रोज होगी क्लास रोज होगी बेटा आज बीस है कल इक्कीस है इक्कीस को अपना ट्रिक डे है ठीक है ट्रिक डे है किसकी ट्रिक करनी है फ्लोरल फैमिलीज की ट्रिक करनी है कल याद करना है मेरे साथ क्लास में इसी समय देन 22 को बेटा एनाटॉमी को शुरू कर लेंगे फिर बेटा 23 और 24 को मेरे दोस्त जो कि एम्स में एम्स में बेटा एमडी कर चुका है हाँ, उसकी शादी है बेटा तो उस दो दिन में लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगी बाकी फिर अपने उससे अगले दिन खत्म करेंगे स्केड्यूल डन हाँ जी तो अब आपकी इजाजत हो तो बेटा शुरू कर ले पिछला अगर मैं आपको याद कराऊ लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था डिड बी कंप्लीटेड इट जी हमने सिमिट्री ऑफ फ्लार कर लिया था हमने पोजिशन ऑफ फ्लार पोजिशन ऑफ फ्लोरल पार्ट ऑन थैलमिस कर लिया था एस्टिवेशन कर लिया था ठीक है आज अपने ने क्या करना है यस yes. आज हम क्या करने वाले, आज हम करने वाले हैं आज हम करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर फिर सीट और फिर फ्रूट ठीक है ये सारी चीजें करने वाले हैं देखिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक डॉक्टर की शादी में जाते तो हुए so, कौ, मेरे साथ ट्वेंटी थर्ड और ट्वेंटी फोर्थ को उसकी शादी भी ना डॉक्टर से ही हो रही है यस yes, डॉक्टर यूजली डॉक्टर से ही शादी करते हैं है ना हो जाता है पढ़ाई बहुत लंबी है सो दे गेट प पर्सन जिसके साथ उनकी ट्यूनिंग बन जाती है, है ना और वहां और भी बहुत सारे जिनको मैं जानती हूँ एम्स के डॉक्टर आएंगे राइट एंड मेनी स्टूडेंट्स जो मुझे वहां पर मैसेज कर रहे हैं कि मैम वी विल ऑल्सो बी देर सो इट इज वेरी एक्साइटिंग इवेंट फॉर मी और मैं, आ, since मैं आपकी जर्नी से यू नो एसोसिएटेड हूँ तो मुझे वो चीज और ज्यादा फील देती है कि यार जो मेरे बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं आज से दस साल बाद आज से आठ साल बाद बेटा आप भी इस पोजीशन पे होंगे व्हेन यू विल बिलोंग टू द सेम फील्ड तो यार बात ही क्या होती है है ना यस yes. तो 23 और 24 को बेटा उस पर अपने जाएंगे मैं आपको लेके जाऊंगी अपने साथ आप डोंट वरी हा? आपको पता है मैं आपको हर चीज दिखाती हूं हर चीज दिखाती हूं ठीक है बेटा रेडी ट इज योर नंबर वट इज योर नंबर बेटा मेरा टेलीग्राम ज्वाइन किया होता तो ये सवाल ना आता टेलीग्राम ज्वाइन करो पाहुजा के नाम से एक लाख पैंतीस हजार से ऊपर बच्चे उसमें ऑलरेडी एनरोल्ड है वहां सब है कैसे कॉल करनी है कहाँ पहुंचना है कैसे मैम से रीच आउट करना है ठीक है बेटा टेलीग्राम ज्वाइन करो ओके चलो बेटा फटाफट से सेशन को लाइक कर दो क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर यस क्या शुरू करेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर ठीक है जी हाँ जी बेटा हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में देखा था टोटल कितने वर्ल्ड होंगे टोटल कितने वर्ल्ड होते हैं चार होते हैं जिसमें से दो जो होते हैं वो असेंशियल होते हैं क्योंकि उनका डायरेक्ट रोल होता है आपके रिप्रोडक्शन में और दो क्या होते हैं नॉन असेंशियल होते हैं तो यार सबसे पहले अपने लोग शुरू करते हैं केलिक्स वाले वर्ल्ड किस से किससे शुरू करेंगे केलिक्स से बेटा क्लास के बीच में कॉल नहीं करना मैंने अभी इसलिए नहीं बताया आपको कि आप क्लास के बीच में फोन करें फिर वो नहीं उठेगा आपका भी एनर्जी वेस्ट है मेरा भी एनर्जी वेस्ट है, है ना सो so, केलिक्स क्या होता है केलिक्स होता है कलेक्शन ऑफ सेपल्स ये करा तो नहीं था ना ये अभी करा तो नहीं था बेटा कलेक्शन ऑफ सेपल्स जिसके लिए अपन लोग सिंबल क्या यूज करते हैं के यूज करते हैं अब तुम बोलोगे यार केलिक्स के लिए के लिए क्यों यूज करते हैं क्योंकि बेटा अगला हिस्सा इसका करोला आने वाला है इज अ कलेक्शन ऑफ पेटल्स ठीक है उसके लिए अपने को सी यूज करना है तो इसके लिए अपने के यूज करते हैं सो सेपल जो बाहर पे यू नो ग्रीन से कलर का जो कवरिंग होता है सबसे आउटर मोस्ट वर्ल्ड है इसको क्या बोलते हैं अपने लोग केलिक्स बोलते हैं ये सबसे बाहर वाला वर्ल्ड है आउटर मोस्ट वर्ल्ड आउटर मोस्ट वर्ल्ड है काम क्या है भैया जो बाहर होता है बाहर का सीमेंट बाहर का पेंट प्रोटेक्टिव होना चाहिए सो इसका जो काम है ये है बेटा प्रोटेक्टिव इन नेचर वाला अब यार ये जो केलिक्स हो सकता है ये केलिक्स कैसा हो सकता है फ्यूज भी हो सकता है और फ्री भी हो सकता है है ना दिस केलिक्स कैन बी फ्यूज और सेपल्स कैन बी फ्यूज और सेपल्स कैन बी फ्री ठीक है फ्यूज या फ्री अगर ये फ्यूज हैं तो उस कंडीशन को बोला जाता है गैमोसेपलस ये नहीं किया था मेरे ख्याल से गैमोसेपलस अगर वो फ्री है तो उस कंडीशन को बोला जाता है पॉलीसेपल ठीक है एंड गैमो, गैमो यानी यानी कि कि है है पॉली फ्री मान लीजिए किसी एक फ्लावर के पास पांच आपके सेपल है कितने पांच तो मैं के के नीचे क्या लिख दूंगी पांच अगर बेटा ये फ्यूज है तो ध्यान देना यहां क्या लग जाएगा आपका ब्रैकेट लग जाएगा ब्रैकेट का क्या मतलब है फ्यूज है और अगर बेटा पांच आपके सेपल हैं जो अनफ्यूज हैं फ्री बैठे हैं तो कोई ब्रैकेट नहीं लगेगा कोई ब्रैकेट नहीं लगेगा तो ब्रैकेट जहां भी आ जाए यानी कि वो क्या दर्शा रहा है आपका फ्यूज ये सारे आपके सिंबल्स मैं कल आपको कराने वाली हूं ट्रिक्स ऑफ फ्लोरल फैमिलीज में तो बहुत ध्यान से आज के सिंबल समझना यार अगर केलिक्स जो है परसिस्टेंट चिपका रह जाए तुम्हारे फल में तुम्हारे फ्रूट में तो वो बन जाता है परसिस्टेंट यस सो केलिक्सर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज परसिस्टेंट केलिक्स परसिस्टेंट केलिक्स इसको इधर ले आते हैं परसिस्टेंट केलिक्स कहां देखा है टमाटर की टोपी हां जी बैंगन की टोपी देखिए कि नहीं देखिए बहुत लोगों को तो बैंगन की टोपी सेक के यू नो खाने में मजा भी आता है जब आप बैंगन का भरता बनाते हैं तो टोपी को स्पेशली रखा जाता है तो वो जो टोपी है यार टमाटर की बैंगन की ये क्या है ये क्या है केलिक्स जो है वो अटैच रह जाता है एंड सो एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी सम मेंबर्स ऑफ द सोलेनेशिया फैमिली ये फैमिली ठीक है जी यस yes. अगर बेटा यही केलक्स केलिक्स थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाए और फूस फूस वाला हो जाए हेयरी हो जाए यस yes. अगर बेटा ये क्या हो जाए हेयरी हो जाए तो इसका डब्बा हम बना लेते हैं ऊपर ठीक है ओके okay, इधर आ जाओ ये सारे नोट्स बेटा आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेंगे किस नाम से मेरे ही नाम से हाँ जी तो उसको बोला जाता है पैपस उसको क्या बोला जाता है पैपस पैपस क्या होता है आपका मॉडिफाइड मॉडिफाइड है लेकिन थोड़ा सा फूस फूस वाला इसका काम क्या है डिस्पर्सल में मदद करता है और किस में दिखता है सनफ्लावर में दिखता है एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी सनफ्लावर ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट केलिक्स केलिक्स क्या है कलेक्शन ऑफ सेपल फ्यूज भी हो सकता है और फ्री भी हो सकता है देन बेटा कुछ का केलिक साथ ही में रह जाता है उसको अपने लोग क्या बोलते हैं आपका अटैच रह जाता है है परसिस्टेंट केलिक्स एज एज सीन सीन इन इन एंड बैंगन दैट इज ठीक जी चलिए अगला हिस्सा जो कि बहुत ही सुंदर है ब्राइटली कलर्ड है बट वैसे नॉन एसेंशियल वर्ल्ड है दैट इज गोइंग टू बी कोरोला अगला हिस्सा बच्चों क्या बताएंगे अपने कोरोला ठीक है आयत इज वेरी महंगी पता नहीं क्या बातें करते रहते हैं यार ये बच्चे फकीहा कह रही है। आयत इज वेरी महंगी व्हाट इज आयत यार आयत तो बच्चे का नाम होता है ये महंगा सस्ता कहां से बच्चे बेच रहे हो क्या बैठ के है बिजनेस कर रहे हो बिजनेस कर रहे हो? Yes बेटा बिजनेस कर रहे हो आयत इज वेरी महंगी बेटा फकीहा क्या आयत को बेचने जा रही है गजब बातें करते हैं यार गजब बातें करते हैं हाँ इनको बैंगन की फोटो दिखा दो टमाटर की फोटो दिखा दो बेटा अगर तुम मेरे पास दो साल पहले आए होते ना और मैं तुम्हें दो साल पहले चैप्टर बता रही होती तो सारे टमाटर आलू बैंगन सब मैंने यहीं पे रखा होता सबकी फोटो दिखाती तुमको ठीक है सबकी क्या दिखाती फोटो दिखाती लेकिन अब फोटो नहीं दिख सकती है है ना बच्चा अभी हमारा टाइम ये क्रैश कोर्स चल रहा है तो क्रैश कोर्स में सिलेबस कंप्लीशन इज एट फर्स्ट प्रायोरिटी देन टू शो यू लाइव थ्री दिखाने से अच्छा हाँ जी बेटा सो कलेक्शन ऑफ पेटल्स जो कि अपने को दिखता है सेकेंड वॉल में इसका भी नेचर ऑब्वियसली प्रोटेक्टिव भी है प्रोटेक्टिव है लेकिन बेटा ये बड़ा सुंदर होता है ब्राइट कलर्ड होता है ठीक है ब्राइट कलर्ड होता है तो ये पॉलीनेटर्स को अट्रैक्ट करता है और मेजर जो पॉलिनेटर है वो कौन है वो अपने इंसेक्ट्स है वो क्या है इंसेक्ट्स है तो भैया जैसे हमने सेपल में करा था कि यार फ्यूज्ड और फ्री हो सकते हैं वैसे ही अपने पेटल्स भी हो सकते हैं दो तरीके से या तो बेटा जी क्या होंगे फ्यूज्ड या फिर क्या होंगे अकेले अकेले फ्री फ्यूज होंगे तो अगेन सेम वर्ड वहां गेमोसेपलस था यहां पर क्या हो जाएगा गैमो पेटेलस ठीक है और अगर फ्री हुए तो क्या हो जाएगा पॉली पेटेलस उसके लिए बेटा अगर सिंबल अपने यूज कर रहे थे के का तो भैया इसको दे देते हैं सी इसके लिए जो सिंबल यूज होगा वो क्या है सी अगर बेटा मान लो पांच पेटल्स है कितने पांच पांचों के पांचों फ्यूज हैं तो यार मैं फाइव लिख के ब्रैकेट लगा दूंगी ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या है ये आइटम फ्यूज है और अगर बेटा ये फ्री है तो यार सिंपली इस पे यहां पर फाइव लिख देंगे ठीक है जी फाइव लिख देंगे ओके हां जी यस डन चलिए तो दो पार्ट्स अपने ने कर लिए पहला अपने ने कर लिया केलेक्स एंड देन अपने ने कर लिया करोला अब सेपल टू सेपल का अरेंजमेंट और पेटल विद रिस्पेक्ट टू पेटल का अरेंजमेंट हमने पिछली क्लास में कर लिया था कई बार आपको एनसीआरटी में इस जगह पर मिलेगा बट मैं हमने पिछली क्लास में कर लिया था दैट इज एस्टिवेशन चार तरीके की करी थी फोटो पे देख ली थी वॉलवेट ट्विस्टेड तो यार केलिक्स और कोरोला से रिलेटेड जो जो चीज था अपने का डन हो चुका है अब अपने चलेंगे असेंशियल वॉल्स पे किस पे चलेंगे असेंशियल वॉल्स और पहले मेल वाला हिस्सा करेंगे जिसका नाम है एंड्रोशियम काफी चीजें याद करने वाली और काफी चीजें बेटा मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी डायरेक्ट क्वेश्चन बनना ही बनना है जहां से तो आज का क्लास बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा बहुत ही ध्यान से सुनेगा सो द नेक्स्ट पार्ट इज एंड्रोशियम एंड्रोशियम के लिए जो अपने सिंबल यूज करेंगे वो क्या करेंगे ए सिंबल याद रखना केलिक्स के लिए के कोरोला के लिए सी एंड्रोशियम के लिए ए क्या होता है एंड्रोशियम यार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस आर एफ पी तुमने मेरे से बहुत डिटेल में पढ़ा है आप सबको पता है भैया ये क्या होता है कलेक्शन ऑफ स्टेमन स्टेमन के कलेक्शन को क्या बोलते हैं अपने एंड्रोशियम कार्पन या पिस्टल के कलेक्शन को बोलते हैं गाइनोशियम अब एक सेमन दिखता कैसे याद आया बेटा ऐसे इसके पास क्या होती है एक फिलामेंट होती है ठीक है प्रोक्सिमल एंड एंड ऑफ़ ऑफ़ फिलामेंट, फिलामेंट, डिस्टल दिमाग चला। ये ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये क्या होता है, क्या दो लोब्स बाईलोब्ड हांजी कितने आपके थीका होते हैं डाई थी थीकस ठीक है जी तो ये नेचर किसका था एंथर का एंथर के बारे में ज्यादा डिटेल किया पॉलिन ग्रेन कैसे बनता है गैमिट कितने हैं कितने लोब्स हैं ये सब अपने डिस्कस करते हैं एस आर एफ पी के अंदर अब कई बार बेटा कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें जो स्टेमन है वो आगे पॉलिन ग्रेन नहीं बनाता है यानी कि जो अपना स्टेमन है वो कैसा स्टेमन है वो स्टेराइल स्टेमन है कैसा है वो स्टेराइल स्टेमन है ये जो बेटा जी स्टेराइल स्टेमन होता है इसको बोला जाता है स्टामिनोड यस बच्चो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इसको क्या बोला जाता है स्टामिनोड। सो द स्टीराइल स्टेमन इज कॉल्ड एज स्टामिनोड। एग्जाम्पल एग्जाम्पल बेटा देखा जाता है लेग्युमिनेसी फैमिली में यही अपने पी गुलमोहर लेग्युमिनेसी फैमिली ठीक है मेरे साथ साथ याद करो मेरे साथ साथ बच्चों याद करो Sterile stamen is called as yes. क्या बोलोगे अब ये जो stamen है वो बाकी के जो हैं उनसे भी तो जुड़ा हुआ है यार तो ये जो अटैचमेंट है स्टेमन की विद अदर फ्लोरल पार्ट्स इट इज कॉल्ड एज अडिशन क्या बोलोगे अडिशन देखो दो वर्ड्स बताऊंगी पहला बताऊंगी अडिशन दूसरा बताऊंगी कोहेजन ठीक है अडिशन एंड कोहेजन

ठीक है एडिशन ऑफ स्टेमन दो बेटा कंडीशंस आ, आ सकती हैं इसमें यस दो कंडीशन आ सकती है पहला है एपिफाइलस वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एपिफाइलस दूसरा है एपिपेटलस एपिपेटलस ठीक है एपिफाइलस को ही क्या बोलते हैं एपिटेपल्स भी बोलते हैं टेपलस भी बोलते हैं तो एपिफाइलस क्या हुआ एपिफाइलस क्या हुआ एपिफाइलस हुआ कि जो अपना स्टेमन है ये किससे जुड़ा हुआ है टेपल से टेपल क्या बताया था यस बच्चों टेपल बताया था मैंने पिछले क्लास में हाँ बताया था मुझे याद आ रहा है मैंने बताया था टेपल जिसने रिवाइज किया उसको आता होगा यस बेटा टेपल बताया था मैंने पिछली क्लास में हाँ बताओ फटाफट पड़ से बताओ कलेक्शन ऑफ और... वेरी गुड वेरी गुड कौन किसने नाजरीन ने ठीक आंसर दिए बिल्कुल निशा ने भी ठीक आंसर दिया और पेटल फ्यूज करके क्या बनाते हैं टेपल्स बनाते हैं तो यार यहाँ पर जो अपना स्टेमन है ये किससे जुड़ा हुआ है अटैच्ड विद अटैच्ड विद टेपल्स और टेपल्स के कलेक्शन को क्या बताया था पेरियांत. टेपल्स के कलेक्शन को बेटा मैंने क्या बताया था पेरियां और किस में बताया था टेपल्स ये अपना प्याज में और लहसुन में दैट इज फैमिली मेंबर्स ऑफ एशिय फैमिली फैमिली इज अनियन गार्लिक कि यहां पर जो अपने आ, stamen है कलेक्शन ऑफ टेपल्स ये दोनों आपस में जुड़े हुए यानी कि ये क्या है फ्यूज है तो फ्यूज के लिए बेटा मैं इसके ऊपर लगा दूंगी आर्क क्या लगा दूंगी आर्क तो यार इसके लिए रिप्रेजेंटेशन होगा ए फॉर एंड्रोशियम पी फॉर

Yes. That means, ये जो अपना एंड्रोशियम है वो किससे जुड़ा हुआ है पेटल्स पेटल्स यानी कि कलेक्शन को क्या बोलते हैं उसकी करोला करोला के लिए क्या यूज करते हैं सी फ्यूज है तो यार ऊपर क्या यूज करेंगे आर्क है ना बेटा ऐसा ही सिंबल यूज होगा ना ऐसा ही सिंबल यूज होगा ना हां जी, चलिए आगे बढ़ते हैं

चार कंडीशन इसमें बताऊंगी पहला है पॉली एंड्रस पॉली एंड्रस देनाड्रस देन एडल्फस ठीक है पहला कर लेते हैं पॉली एंड्रस पॉली एंड्रस बेटा केस देखो ये एक सेमन ये एक स्टेमन ये एक स्टेमन सब फ्री बैठे हैं कोई अटैच नहीं है सब फ्री हैं यानी कि स्टेम जो इस केस में हैं वो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं वो क्या है फ्री हैं क्या है फ्री हैं दूसरा केस देखो दूसरा सिनांड्रस यस देख रहे हो सीनाड्रस देखो इस वाले स्टेमन का ऊपर का एंथर भी जुड़ा हुआ है आपस में और नीचे की फिलामेंट भी जुड़ी हुई है कंप्लीटली फ्यूज स्टेमन कंप्लीटली फ्यूज स्टेमन जुड़ा हुआ दिख रहा है यस नेक्स्ट कंडीशन में क्या है नेक्स्ट कंडीशन में बेटा ये है ये देखो मैं इधर करके बनाती हूँ ये एक ये दूसरा ये तीसरा यानी कि इनका जो एंथर है वो तो जुड़ा हुआ है लेकिन फिलामेंट फ्री है ठीक है फिलामेंट फ्री है सो हेयर द एंथर फ्यूज बट फिलेंट इज फ्री है ना बच्चों फिला इंपॉर्टेंट है एनसीआर के हिसाब से देखिए तो यार इसमें यह केस है ये देख रहे हो ये कौन जुड़ा हुआ भैया फिलाेंट जुड़ी हुई है एंथर फ्री है इज फ्री वेयर एज द फिला

नेक्स्ट आ जाता है आपका एडेल्फस एडेल्फस बेटा मैं आपको अगले पेज पे थोड़ा और डिटेल में बताना चाहूंगी क्योंकि इसमें भी बहुत सारी कंडीशन आती है है, है, पॉली है क्या है ठीक है जी इतना हो गया बताओ फटाफट -फड़ से एवरी वन यस जी इतना हो गया बेटा मेरे चश्मे चमकने से तुम्हारा क्या हो रहा है मैम आपका चश्मा चमक रहा है इसमें हमें दिक्कत हो रही है क्या दिक्कत हो रही है जरा मैं भी देख लू अडेफस को बेटा मैं डिटेल में बताऊंगी अडेल्फस नेक्स्ट पेज पे आगे और टाइप्स आएंगी इसकी सो वी आर गोइंग टू एक्सटेंड द दस कंडीशन मोनो मोनोडल्फस डायडेल्फस एंड पॉली पॉलीअेल्फस चलो अडेल्फस को लेके चलते हैं यस अडेल्फस ओके जी चलिए तीन केस आ जाएंगे कौन कौन से आ जाएंगे बच्चों मोनो एडल्फस मोनो एडल्फस ठीक है जी देन डाई एडल्फस एंड देन आ जाएगा आपका पॉली एडल्फस एडल्फस का केस तो पता है ना एडल्फस यानी कि नीचे का हिस्सा जुड़ा है फिलामेंट जुड़ी है एंथर फ्री है एंथर फ्री है चलो जी आ जाओ मोनो एडल्फस यानी कि इसके पास सिर्फ एक ही बंडल है एडेल्फस कंडीशन वाला इसके पास सिर्फ एक ही बंडल है यानी कि ये देख लो ये सीन है इसके पास यानी कि ओनली वन बंडल इज प्रेजेंट ओनली वन बंडल हैज अडेल्फस कंडीशन एक ही बंडल के पास अडेल्फस कंडीशन है ठीक है जी चलिए डायडेल्फस देखिए डायडेल्फस देखिए कि भैया है दो चीजें एक जो है ये फ्री बैठा है अकेला बैठा है और दूसरे में बेटा ये एडेल्फस कंडीशन है देख रहे हो दूसरे में

One stamen is free and nine are fused. में देखो बहुत सारे हैं। ये ये एक bundle, adelphus वाला, ये दूसरा bundle, adelphus वाला। दूसरा यानी कि इसका सीन क्या है हैं। हैं बहुत सारे bundles है जहां पर फिलामेंट क्या है अपना फ्यूज है एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट एम फॉर मोनोल्फस एम से कौन सी फैमिली आती है एम से कौन सी फैमिली आती है बच्चों मालवे फैमिली ठीक है मालवेश के तीन एग्जाम्पल रटवा दी थी पिछली क्लास में क्या एग्जाम्पल आएगा एक तो चाइना रोज दैट इज हेबिस्कस सी फॉर कॉटन ठीक है और अपनी लड़की फिंगर दैट इज भिंडी लेडी फिंगर याद रखना बेटा मोनो एडल्फस की एग्जाम्पल क्या है आपकी मालवेसिय फैमिली देन आता है डाई एडल्फस में आपकी लेग्यूमिनेसिए फैमिली लेग्यूमिनेस दैट इज पी सोयाबीन गुलमोहर मैं एक दो लिख रही हूँ बेटा एग्जाम्पल में कोई भी आ सकता है इसीलिए मैं फैमिली मेंशन कर रही हूँ ताकि तुम्हें आसान रहे पॉलीडेल्फस में आपके जो संतरे वाले फ्रूट दैट इज सिट्रस फ्रूट सिट्रस फ्रूट्स वुड बी डेअर ठीक है यस yes. अब जनरली क्या होता है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली फोकस बेटा मेरी क्लास में तीन चीजें लेके आनी है आपको पता है अपनी जो क्लासे होती है बातें वाली नहीं होती है अपनी जो क्लासे होती है वो कंटेंट वाली होती है बात करते हैं अपने प्योर एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट की जहां से पेपर आता है पीवाई क्यूज की जहां से पेपर आता है वन ऑफ द बेस्ट नोट्स बेटा आप मेरे साथ लिखते हैं कंप्लीट सिलेबस आप ऑलमोस्ट कर चुके हैं मैं आपको बताऊं हमारा नाइनटी सिलेबस कंप्लीट है क्यों क्योंकि लिंक ट्री पे सिर्फ एक ही चैप्टर बाकी है ये तो आज हो जाएगा सिर्फ एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बच गया

अगले हफ्ते से जो चलेगा वो प्योर प्योर रिविजन चलेगा। अभी तो मैं बहुत स्लो हूँ इस चीज से इस तरीके से हो सकता है वो वन शॉट में नहीं हो सकता ना ही मुझे वैसे करवाना है वो मैं आपको करवाऊंगी मे मिड से यानी कि टिल ये जो डेढ़ महीना है वो एक्सटेंसिव वन शॉट का अभी नहीं है तो अभी यार छब्बीस तारीख तक तो अपने सिलेबस को 100% डन करेंगे एंड देन बेटा अपने सुपर फास्ट तैयारी की तरफ जाएंगे जिसमें मैं आपको अपनी प्रेजेंस में क्या कराने वाली हूँ पूरा पूरा चैप्टर दोबारा रिवाइज एक बारी तुम खुद से रिवाइज करोगे यानी कि क्लास के बाद जो अभी तक करते आए हो और बेटा 26 के बाद यस yes, 26 27 से हम लोग शुरू करने वाले हैं सुपर सुपर डुपर फास्ट रिवीजन ये तो फास्ट ट्रैक रिवीजन है फिर सुपर फास्ट हो जाएगा फिर बेटा सुपर फास्ट हो जाएगा ओके जी चलो तो अपना कंडीशन हो गया लेंथ है, है ना वो बराबर जनरली एक पौधे में जो स्टेमन है उसका लेंथ क्या होता है बराबर होता है लेकिन बेटा दो पौधे आपको एनसीआरटी ऐसे बताती है जिसमें स्टेमन का जो लेंथ है वो डिफरेंट है स्टेमन का लेंथ बेटा डिफरेंट है सो so,

ठीक है मस्टर्ड का केस हो गया टू प्लस फोर वाला इसको बोलते हैं टेट्रा डायनेमस यस इसको क्या बोलते हैं टेट्रा नेक्स्ट आता है सेल्बिया ये याद कर पाओ कि क्या केस है तो तो ठीक है नहीं तो बस कल एग्जाम्पल जरूर याद रख लेना इसमें क्या केस है इसमें केस है टू प्लस टू वाला यानी कि ये अपने आउटर वाले हैं ये थोड़े छोटे होंगे शॉर्टर होंगे ये इनर वाले हैं ये क्या होंगे लोंगर होंगे और इस केस को क्या बोलते हैं डायडाइनमस डायडाइनमस कंडीशन ओके बच्चों तो यार जनरली स्टेमन जो है वो सेम साइज का होता है लेकिन दो प्लांट ऐसे हैं जिसमें स्टेमन जो है वो छोटा बड़ा है छोटा बड़ा एग्जाम्पल मस्टर्ड साल्विया मस्टर्ड साल्विया मस्टर्ड सालविया मस्टर्ड सालविया मेरे साथ साथ बेटा याद कर लो फटाफट से क्योंकि अब मेल से उतर के हम फीमेल वाले पार्ट पे आने वाले हैं एंड दैट फीमेल वाला पार्ट इज अदर देन नोशियम ठीक है जी ओके okay? हाँ जी एक बात बताओ यार पीवाई क्यू मैराथन में एनरोल करा कि नहीं करा पीवाई वाई क्यू में एनरोल करा या नहीं करा गाइनोशियम जी बेटा गाइनोशियम ठीक है करा <coughs> <laughs> करा बच्चों यस yes. तीन दिन पहले कर लिए जिसने नहीं किया वो करो आज का पेपर भी मैं आसान पेपर नहीं डालूंगी आज भी बेटा मैं डिफिकल्ट पेपर डालने वाली वालू अब किस साल का डालूंगी ये मुझे नहीं पता हो सकता है रिपीट हो जाए क्योंकि हम बीच बीच में से क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा बीच बीच में से किसी भी साल के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं तो गाइनोशियम क्या है गाइनोशियम बेटा फीमेल का फीमेल पार्ट है Essential है, female reproductive unit है, है? है, है, से बना होता है? जैसे वो बना हुआ है, बना होता होता जैसे वो हुआ इसमें कलेक्शन तो जनरली नहीं सिंगल भी हो सकता है मल्टी भी हो सकता है लेकिन इसको बोलेंगे किससे बना होता है इट कंसिस्ट ऑफ कार्पल हैंडराइटिंग तो समझ आती है ना बेटा मेरी ये कुछ कुछ वर्ड्स जो मैं गलती करती थी जिसमें जैसे तुमने मुझे मेरा टी बताया तुमने मुझे एफ बताया है ना एन लिखना सिखाया तो बहुत चीजें मैं, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि लाइव में भी बढ़िया हैंडराइटिंग में तुम्हारे लिए बेस्ट नोट्स बनाकर टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करो ओके चलो सो गाइनोशियम ये हो गया एक अगर कार्पल देखे तो यार ऐसा दिखता है छोटे बच्चों वाली बात है हाँ जी इसके पास नीचे जो बल्ब जैसा स्ट्रक्चर होगा इसको अपने लोग क्या बोलते हैं ओवरी फिर बेटा ये जो डंडी है इसको बोला जाता है बड़े स्टाइल मारती है स्टाइल और ऊपर का जो रिसेप्टिव पार्ट है स्टिकी इन नेचर होता है इसको अपने लोग बोलते हैं स्टिग्मा ठीक है अब यार ध्यान देना इस ओवरी के अंदर होती है खाली जगह याद करना है इस ओवरी के अंदर होती है खाली जगह यानी कि जो स्पेस बिटवीन ओवरी है, जैसे ह्यूमन में जो खाली जगह है वो लॉक्यूल ठीक है, है? सो ये तुमको क्या दिखाई दे रहा है, है? लॉक्यूल अब यार अगर तो एक ही कैविटी है एक ही खाली जगह है तो उसको बोलेंगे यूनि मान लो बेटा ये ऐसे डिवाइडेड है वो हो जाएगा आपका ुलर मान लो ये तीन हिस्से हैं इसके तीन हिस्से हैं है तो, है, तो यार वो हो जाएगा आपका मल्टीलॉक्यूलर तो यार ये जो अपनी ओवरी है डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ लॉक्यूल्स है ना दिस कुड बी दिस कुड बी यूनिलॉक्युलर दिस कुड भी यूनिलॉक्युलर देखो ये जो सिंपल मैंने बनाया है, ये यूनिलॉक्युलर है एक ही कैविटी है दिस कुडी बाईलॉक्यूलर बाईल बाइलॉक्यूलर में क्या सीन होगा ये देखो दो हिस्से बन गए ठीक है दिस कुड कुडी ट्राइलॉक्यूलर ट्राइलॉक्यूलर यानी कि इसके अंदर कितने हिस्से बनेंगे तीन बनेंगे ये बना दे ये देखो तीन बन गए इट कुड बी टेट्रा और इट कुड बी मल्टी मल्टी मल्टीलॉक्युलर बहुत सारी बेटा क्लासिफिकेशन ही क्लासिफिकेशन है मुझे लगता है ये जो चैप्टर है ना ये चैप्टर सिर्फ किसका है ये चैप्टर है अपने फ्लो चार्ट का ठीक है ये चैप्टर किसका फ्लो चार्ट का तो इतने सारे फ्लो चार्ट बनाते रहते हैं इसकी ये क्लासिफिकेशन इसकी ये क्लासिफिकेशन भैया फ्लो चार्ट नहीं खत्म होते तो डिपेंडिंग की यार इस कैविटीज कितनी है यूनि मल्टी ट्राई आपकी ओवरी रहेंगी अब यार एक गाइनोशियम के पास कितना कार्पल है यहां तो तुम्हें यार एक ही कार्पल दिख रहा है इफ दे हैव सिंगल कार्पल ये हमने SRFP में भी किया था एस आर एफ पी आज का जो सेशन है ना बेटा वो थर्टी परसेंट एस आर एफ पी में हमने किया हुआ है बट स्टिल वी आर रिपीटिंग वी विल रिपीट अगर एक ही कार्पल हो तो मोनो अगर एक से ज्यादा हो तो पॉलि ठीक है बाई कार्पलरी, ट्राई एंड देन मल्टी ठीक है तो ये जो गाइनोशियम है अगर इस गाइनोशियम के पास सिंगल कार्पल है इस गाइनोशियम के पास सिंगल कार्पल है तो यार ये क्या हो जाएगा मोनो कार्पेलरी ठीक है नाम से ही क्लियर है इसके पास सिर्फ एक ही कार्पल है अगर बेटा दो हो जाए तो तुम क्या बोलोगे बाई कार्पेलरी अगर तीन हो जाए तो क्या बोलोगे ट्राई कार्पेलरी और अगर बहुत सारे हो जाए तो तुम क्या बोलोगे मल्टी कार्पेलरी ठीक है अगर तो एक है तो कहानी खत्म अगर तो सिंगल है तो कहानी खत्म लेकिन बेटा अगर एक से ज्यादा है जैसे इन चार कंडीशंस में हम देख रहे हैं एक से ज्यादा है तो यार आगे दो कहानियां हो सकती हैं या तो ये जो मोर देन वन है ये फ्री हैं, या फिर ये आपस में जुड़े हुए हैं समझ रहे हो अगर तो यार एक है तो फ्री फ्यूज की कहानी खत्म हो गई लेकिन अगर बाई है ट्राई है मल्टी है तो यार या तो ये फ्यूज हो सकते हैं या फिर ये फ्री हो सकते हैं यानी कि अगर इस कंडीशन को देखा जाए वेन गाइनोशियम वन कार्पल हुआ तो यार दो कंडीशन होंगी या तो क्या होगा फ्यूज होगा या फिर होगा बेटा फ्री याद आया एस आर एफ पी याद आया बेटा फ्यूज वाले को क्या बोलते हैं प्यूज वाले को यस yes. हांजी वाले को क्या बोलते हैं यस yes. बता दो फटाफट से मोर देन वन कार्पल में फ्यूज वाले को क्या बोलोगे तुम बोलोगे यस फ्यूज वाले को आधे बच्चों ने ठीक आंसर दिया है सिंह कार्पस और अगर फ्री है तो क्या बोलोगे एपो कार्पस ठीक है जी जैसे कि इसको डिनोट कैसे करेंगे तो कि दो कार्पल है दो फ्यूज है तो यार जी फॉर गाइनोशियम दो है फ्यूज के लिए ब्रैकेट लग जाएगा अगर मान लो पांच है पांच फ्यूज है तो यार उसके लिए ब्रैकेट लगाना ब्रैकेट इज द सिंबल फॉर फ्यूजन नेक्स्ट आ जाइए बेटा एपोकार्पस वाले पे एपोकार्पस वाला कंडीशन क्या है आपका फ्री अब बात आती है इनके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है यार इनके एग्जांपल यस कमिंग ऑन टू द एग्जांपल ऑफ सिनकार्पस एंड एपोकार्पस फ्लावर अगर बात करें बेटा सिनकार्पस तो मोस्टली मोस्टली जो हम फैमिली जी पर चार फैमिली इस चैप्टर में पढ़ते हैं वो सारे सिनकार्पस हैं जैसे ब्रासिकासीए है, फैमिली ठीक है ब्रासिक है, वही मूली वाली देन सोलिन देन आपकी आ जाएगी लिली एसी है, ये अपने प्याज और लसन वाली ठीक है देन आपकी आ जाएगी माल है मालवेसी के तीन मेंबर्स याद है ना बस तीन ही याद करने चाइना रोज कॉटन एंड अपना लेडी फिंगर देन आपकी आ जाएगी एस्टरेसिय फैमिली यानी कि सबसे कॉमन सिंह तो है मोस्टली फैमिलीज के अंदर आपको सिन कार्पस कंडीशन ही मिल रही है एपोकार्पस की एग्जांपल देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है माइकेलिया यस, yes, माइकेलिया के पास मल्टी कार्पेलरी हमने वहां भी लिखा था मल्टी कार्पेलरी ओवरी होती है एपो कार्पस आपका कार्पल होता है ठीक है यानी कि मल्टी कार्पेलरी एक से ज्यादा कार्पल है लेकिन वो फ्री है माइकेलिया अनदर एग्जाम्पल इज लोटस रोज स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी रास्पबेरी ठीक है याद करो मेरे साथ याद करो फटाफट से मेरे साथ फ्री कंडीशन किस में है फ्री कंडीशन है आपकी माइखेलिया रोज स्ट्रॉबेरी रास्पबेरी लोटस बेटा ये ट्वेल्थ के बैच वाले बच्चे के लिए एक बिग अनाउंसमेंट आने वाली है कब आने वाली है इसी महीने में आ जाएगी ठीक है इसी महीने में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली ट्वेल्थ वालों के लिए जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आएगी इसी महीने में सो प्लीज की स्टे ट्यून्ड ऑन माय टेलीग्राम टेलीग्राम इज विद माय नेम ओनली दैट इज सी बायोलॉजी ठीक है क्या लिखोगे तुम बस ये लिखना है तुमको सीप पाहुजा बायोलॉजी ये डाल दोगे तो यार एक लाख तीस हजार एक लाख थर्टी फाइव थाउजेंड समथिंग वाला चैनल आ जाएगा उसको बेटा ज्वाइन करना बाकी सब फेक है यही वाला अपना असली चैनल है तो एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आने वाली है और यार क्या कोई बच्चे हमारे पास हिंदी मीडियम वाले हैं हिंदी मीडियम के लिए मैं बहुत टाइम से कुछ ना कुछ सोच रही थी एंड नाउ फाइनली आई गॉट द हैक क्योंकि यार किस जिस चीज को तुम शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलवाने की साजिश करती है यार मेरे को ना कायनात ने साजिश करी ताकि मैं हिंदी वालों के लिए भी कुछ कर पाऊं और फ्री ऑफ कॉस्ट कर पाऊं सो देयर इज अ बिग सरप्राइज फॉर हिंदी पीपल ऑल्सो दैट आई विल अनाउंस इन डे ऑर्डर टू यस ओके चलो बेटा आ जाओ

वो जुड़ा हुआ है ओवरी की बॉल से एंड यहां पर वो जो अटैचमेंट का टाइप है उसको अपने लोग बोलते हैं प्लेसेंटेशन यस तो एक प्लेसेंटेशन भैया आपके प्लांट्स में भी है ठीक है एक प्लेसेंटेशन आपके प्लांट्स में भी है कि ओव्यूल्स किस तरीके से अरेज है ऑन द वॉल ऑफ ओवरी यस सो नाउ वी आर गोइंग टू डू प्लेसेंटेशन इन प्लांट्स क्या होता है प्लेसेंटेशन प्लेसेंटेशन होता है अरेन्जमेंट ऑफ किसका ओव्यूल ओवर प्लेसेंटा मैं आपको बताती हूं बेटा प्लेसेंटा क्या होता है जस्ट अ सेकेंड लेटमेशन इन साइड ओवरी जी मान लीजिए बेटा ये अपना स्टाइल है ऊपर क्या था ये स्टिग्मा था और नीचे क्या है अपनी ओवरी मान लो ये क्या है ओवरी अब ये ओवरी की जो इनर वॉल है ना वहां से निकलता है आउटग्रोथ समझो प्लेसेंटा समझना क्या है यहां से निकलता है बेटा ये आउटग्रोथ ठीक है अंदर वाली वॉल से

कि प्लेसेंटेशन होता है कि किस तरीके से ये जो ओव्यूल्स है ये प्लेसेंटा में या ओवरी की से है? क्या फिर तो प्लेसेंटेशन की बेटा जी अपने लोग टाइप्स करेंगे अब बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा ये वाला पोर्शन टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन वी विल डिस्कस मार्जिनल प्रेजेंटेशन जो मटर में पाई जाती है मटर छिले पेराइटल प्लेसेंटेशन -central, पांच तरीके का होता है बेटा फ्री सेंट्रल बेसल एंड एक्साइल बेसल एंड एक्साइल वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिसन विदर फोटू फोटू भी आ सकती है बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मजा आ रहा है मुझे पढ़ाने में मुझे ऐसा लग रहा है यार, मैंने इसको पहले क्यों नहीं पढ़ाया आई एम लविंग दिस मोर देन ह्यूमन पार्ट हाँ जी मार्जिनल पेराइटल फ्री सेंटलर बेसल एंड एक्साइल तो शुरू करते हैं मार्जिनल से मटर लेके आओ भैया मटर का सीजन चल रहा है बेटा आजकल वैसे सर्दियों में आते हैं मटर मार्जिनल प्लेसेंटेशन हाँ जी बेटा मटर देखे तो अपने निकाल लेते हैं एनसीआरटी इसमें मटर बना हुआ है ये रहा मटर दिख रहा है एवरी वन सी दिस मटर हाँ जी तो ये जो तुम्हें पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है ओवरी ये क्या है मटर की ओवरी तो यार ओवरी के अंदर क्या बनते हैं ओव्यूल ओव्यूल फ्यूचर में क्या बनाते हैं सीड तो यार तुम मटर की सब्जी खा रहे हो या मटर का फल खा रहे हो जिसमें बेटा आपका बीज आ गए ना ये बीज आ गए वो सब्जी नहीं हुई वो वेजिटेबल नहीं हुई वेजिटेबल वेजिटेबल

ये क्या है भैया आपकी ओवरी है कितने लॉक्यूल दिख रहे हैं बीच की खाली जगह होती है अभी कोई डिविजन नहीं लग रही मुझे ओवरी के अंदर यानी कि ये जो अपने को दिख रहा है यूनिलॉक्यूलर दिख रहा है कैसी ओवरी दिख रही है यूनिलॉक्यूलर दिख रही है अब यार ये जो प्लेसेंटा है वो यहाँ है देख लो प्लेसेंटा बेटा इस साइड पर प्रेजेंट है यहां पर वेंट्रल सूचर्स होते हैं कौन से सूचर्स होते हैं वेंट्रल सूचर होते हैं प्लेसेंटा ना रिज की तरह प्रेजेंट है ओके जी और बेटा ये क्या है अपने वेंट्रल सूचर्स हैं और इसके मार्जिन पर आपके जो ओव्यूल है जो फ्यूचर में सीड बनते हैं ये है है ना तो जब अपने मटर खोलते हैं कभी बेटा मटर तुम इस साइड से खोलते हो नहीं खोलते ना इस साइड से तुमको पता है यार मटर की जो परत है खोलने वाली वो इस साइड से आएगी है ना यानी कि आप डॉर्सल सूचर से डॉर्सल पे जो उसके स्टिचेस लगे हुए हैं वहां से आप मटर को खोलते हैं वेंट्रल सूचर पर क्या लगे हुए हैं आपके ओव्यूल जो फ्यूचर में क्या बनाते हैं आपके सीड्स बनाते हैं तो ओव्यूल्स आर प्लेस्ड मार्जिनली ऑन विच टूचर तुम बोलोगे ओव्यूल्स आर प्लेस्ड मार्जिनली ऑन वेंट्रल सूचर वेंट्रल सूचर ये वाला डॉर्सल है ये वाला वेंट्रल है ठीक है हाँ ये शेख हैं वो मटर ही खोल रहे थे है ना वो मटर ही खोल रहे हैं क्या बात है बढ़िया बात है तो यार मैं फोटो बनाऊ थोड़ा सा फोटो बना देती तो तो एनसीईआरटी में बना हुआ है यस दिस इज द वेंट्रल सूचर जहां पर आपका प्लेसेंटा प्रेजेंट है जहां पर बेटा जी आपका प्लेसेंटा प्रेजेंट है ठीक है जी इसके ऊपर बेटा क्या लगे हुए हैं आपके मटर लगे हुए हैं ये देख लो यस सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्जिनल के क्या हो गए कि जो अपनी ओवरी है ये क्या है यूनिलॉक्यूलर है क्योंकि मुझे कोई डिविजन नहीं दिखाई दी प्लेसेंटा कैसा है प्लेसेंटा बेटा रिज बना रहा है रिज लाइक -like स्ट्रक्चर किस स्ट्रूचर पे रिज लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है ऑन वेंट्रल और डॉर्सल तो तुम बोलोगे वेंट्रल सूचर पर रिज बना रहा है ये ventral है ये ये साइड साइड वेंट्रल है और यार इसके ऊपर जो ओव्यूल है वो कैसे प्लेस्ड है प्लेस्ड मार्जिनली ठीक है ओव्यूल्स आर प्लेस्ड मार्जिनली एग्जाम्पल मटर कौन सी फैमिली है बच्चों बताइए कौन सी फैमिली है लेग्यूमिनेसिए फैमिली लेग्यूमिनेसिए सोयाबीन गुलमोहर ये सब क्या है आपके मार्जिनल के एग्जाम्पल्स रहे ठीक है जी मार्जिनल क्लियर हो गया हाँ जी अगला करते हैं अगली कौन सी है अपनी अगली है पेराइटल ओके लेट मी शो यू द फोटो यस अगली ये सी वाली फोटो है है ना हाँ ये देखिए बेटा सी वाली फोटो देखना है कौन सी फोटो देखना है आपको सी वाली अब जरा ध्यान दो ओवरी कैसी है सब बच्चे डायग्राम से देखिए क्योंकि आपको डायग्राम भी आ सकता है

और क्या बता रहे हैं कि ओवरी अभी के लिए तो यूनिलॉक्यूलर है बट कभी कभी इसमें फॉल्स सेप्टम बन जाता है और बेटा एक से ज्यादा लॉक्यूल हो जाते हैं एक से ज्यादा लॉक्यूल हो जाते हैं तो नेक्स्ट पेज पे बेटा मैं लिख रही हूं आपका पेराइटल प्रेजेंटेशन ठीक है एनसीआरटी में ये थर्ड डायग्राम है प्लीज मेरे साथ उस दिन की जैसे मत करना वो इम्ब्रिगेट और वाली कहानी है ना जिस बच्चे को बड़ा वो हो गया था अरे मैम डायग्राम गलत हो गया डायग्राम गलत नहीं हुआ था एनसीआर ने उल्टा बनाया था हमने उल्टा बनाया था मतलब सही था डायग्राम इट इज सी इन एन सी एंड हेयर वी आर लुक राइटिंग इट एज बी ओके सो यहां पर भी हमने क्या कंडीशन देखी सबसे पहले यूनि ओवरी ठीक है दूसरा लेटर uh, ऑन लेटर ऑन बेटा इसमें फॉल्स सेप्टम आता है और उस फॉल्स सेप्टम को क्या बोलते हैं रेपलम वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड उस फॉल्स सेप्टम को बेटा क्या बोलते हैं रेपलम ठीक है जिसकी वजह से ये बाइलॉक्यूलर बाद में हो जाता है इनिशियली यूनिलॉक्यूलर ओव्यूल्स कहां पर है ओव्यूल्स बेटा पेरीफरल है पेरीफरल है हां जी पेरिफेरल है एग्जांपल के तौर पे यहां पर आपको दो एग्जांपल याद करनी है आर्जीमॉन

यहां पर भी इस ओवरी में तुमको क्या कोई लोक्यूल दिख रहा है मतलब एक से ज्यादा एक ही कैविटी है सिंगल कैविटी भैया सारी तो यार ये भी क्या हो जाएगी यूनिलॉक्यूलर है दिस इज ऑल्सो यूनिलॉक्यूलर ओवरी के पास यहां पर देखो ओव्यूल्स जो है वो बेटा ओव्यूल्स जो है बेटा कहां पर अटैच्ड है फ्रीली एट द सेंटर देख रहे हो ओवरी की वॉल से नहीं जुड़े हुए वॉल पे नहीं है फ्री है सेंटर पे तभी इसका नाम क्या है फ्री सेंट्रल सेंटर में फ्री बैठे ओव्यूल्स ठीक है सेंटर में फ्री बैठे हैं तो यार मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दिस इज कॉल्ड एज फ्री सेंट्रल फ्री सेंट्रल की क्या खास बात है यूनिलोक्युलर ओवरी है यहां पर भी और बेटा ओव्यूल्स जो हैं वो वॉल से नहीं है दे आर प्रेजेंट फ्रीली एट सेंटर हां जी दो एग्जांपल फ्री सेंट्रल की एग्जांपल इज गोइंग टू बी प्रिमरोज और डायंथस डायंथस ठीक है तो ये बात हो गई सेंट्रल की नेक्स्ट अपने लोग करने वाले हैं बेसल प्लेसेंटेशन बेसल प्लेसेंटेशन हाँ जी बेसल प्लेसेंटेशन की जरा फोटो देख लो ये देखिए ये अपना बेसल प्लेसेंटेशन है इसके पास भी ओवरी के अंदर सिंगल लॉक्यूल है है ना यूनि है दूसरी चीज भैया इसके पास ओब्यूल ही एक है क्या? इस वाली ओवरी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ओव्यूल होगा याद रखना है ओनली वन ओव्यूल में यूनिलॉक्यूलर ओवरी तो है यूनिलॉक्यूलर ओवरी लेकिन इस ओवरी के पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल ओव्यूल होगा यस सिंगल ओव्यूल होगा जो कि बेस पर होगा एट द बेस एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट एस्टरेशिया फैमिली एस्टरेशिया कौन सी फैमिली है मैरीगोल्ड सनफ्लावर वाली दूसरी ग्रामीण सीरियल्स ग्रामीण जिसको पोएसिया भी बोलते हैं ठीक है पोएसीए फैमिली दैट इज सीरियल्स के पास कौन सा है बेसल प्लेसेंटेशन है इस चीज को मैं अभी थोड़ी देर में फ्रूट uh, में यूज करूंगी ठीक है फ्रूट में यूज करूंगी लास्ट वन इज गोइंग टू बी एग्जाइल प्लेसेंटेशन एग्जाइल प्लेसेंटेशन सिर्फ एक ये है जिसके पास मल्टीलॉक्युलर ओवरी है ये देखो दिख रहा है मल्टीलॉक्यूलर ओवरी एक दो तीन लॉक्यूल तुम्हें दिखाई दे रहे हैं यानी कि बीच में क्या है इसमें सेप्टा सेप्टा प्रेजेंट है और इनी के सेंटर है तो, एक ये सेप्टा सेप्त के बीच में है। फिर एक ये सेप्टा सेप्त के बीच में ओव्यूल है ठीक है जी तो यहां पर आ जाएगा मल्टी लॉक्यूलर ओवरी ठीक है कहा है बेटा सेंटर में तो है लेकिन बिटवीन के बीच में है ठीक है ठीक अब मैं नहीं बेटा अपना लेडी फिंगर, में वही ब्रिंजल द, द, दतूरा, बेटा सिट्रस वही घूम फिर के एग्जाम्पल अब तक तो यार तुम्हें बिल्कुल रट जानी चाहिए कि किस फैमिली में क्या आता है किस फैमिली में बेटा जी क्या आता है रट गया कि नहीं रटा है? हाँ जी सो विद दिस वी आर डन विद फोर टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन जो आपकी दी हुई हैं यस yes, ये अपनी कौन सी है मार्जिनल प्लेसेंटेशन ये वाली कौन सी है ये वाली कौन सी है बेसल प्लेसेंटेशन देन ये वाली कौन सी है ये वाली फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन ये वाली कौन सी पेराइटल और ये वाली कौन सी है ये वाली बेसल है ऊपर वाली एक्साइल थी ठीक है मार्जिनल एक्साइल Parital, देखो जी प्लेजेंटेशन का पूरा डायग्राम एक अलग से पैराग्राफ डिवोट किया गया है इस टॉपिक को और इस टॉपिक के साथ हमारा फूल खत्म होता है ठीक है फूल और फल ये दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है तो यार फूल जो है वो हुआ समाप्त अब हम फल के बारे में करते हैं वो कहते हैं ना कि फल की इच्छा मत कीजिए ठीक है फल की इच्छा मत कीजिए लेकिन फल ही फल है असली में तो इच्छा कैसे ना करे है ना इच्छा कैसे ना करें फल की इच्छा तो करनी पड़ेगी अपने को हाँ जी वेरी गुड ओके इलेवेंथ पूरा नहीं होगा क्या बेटा कहाँ है आप खुशी रजा खुशी रजा की बेटा खुशी ना मुझे लग नहीं रहा ज्यादा दिन तक रुकेगी बेटा खुशी ठीक है खुशी रजा बेटा आप कहाँ हैं इलेवंथ पूरा होने वाला है क्यों नहीं होगा क्यों नहीं होगा यार अगले दो महीने क्या करेंगे बताओ तुम बताओ खुशी अगले दो महीने क्या क्या कराऊंगी मैं वैसे तो इलेवेंथ पूरा लिंक देख लो ठीक है बस अपना एनाटमी है जो 26 तारीख तो 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 का इंतजार कर लो पूरी इलेवंथ है।, है ना और मैं दोबारा भी रिवाइज कराऊंगी दोबारा भी रिवाइज कराऊंगी नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस बेटा विनोद जी आप आए हैं लेट ठीक है ये जो पहले विनोद ओपी चलता था ना विनोद ओपी बेटा आप आए हैं लेट क्लास की स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस होने वाला है जेनेटिक्स के दो रखूंगी कब 26 तारीख है उस दिन 26 या लेट मी जस्ट बेटा मैं सब कुछ कराऊंगी ह्यूमन फिजियो क्या प्लांट फिजियो सेल एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन Ah, बट बेटा, बेटा अंदर का जो धमाका है ना वो सेम रहता है और वो उसी फ्लो में चलेगा तो घबराना नहीं अगर इसका पैकेट का रैपर बदल जाए कि पहले मैम सिल्वर रैपर में था हरे रंग के रैपर में था अब मैम लाल रंग का रैपर हो गया तो उस पर नहीं जाना मेरे बच्चों मैं तुम्हारे साथ हूं मैंने बोला है कि पूरा सिलेबस होगा लाइफ फॉर्म में वैसे तो भी लाइफ फॉर्म में होगा तो होगा बेटा तो जी ओके तो समझ जाना ओके सो वी है छब्बीस तारीख छब्बीस तारीख को होने वाला ट्वेंटी सिक्स ऑफ फेब जेनेटिक्स का टेस्ट ओके फ्री टेस्ट सीरीज हाँ राइट right, चलो फ्रूट फल के बारे में बात करते हैं फल की इच्छा किसको नहीं है किसको फल नहीं चाहिए सब बच्चे भगवान से एक ही फल मांगते हैं मुझे कुछ मत दो बस मुझे बस मुझे नीट में सीट दे दो तो। एक बार भगवान जी 620 नंबर दे दो तो, बस 620 नंबर दे दो तो, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए तो जब तुम फल इतना मांगते हो तो फल के बारे में तुमको पता तो होना चाहिए फल को काटेंगे क्या निकलेगा फल के अंदर क्या क्या मामला है कौन से पार्ट से फल बनता है सब चीजों के बारे में बेटा आज हम बात करने वाले थके तो नहीं थकना मना है आधा घंटा बेटा और चाहिए मुझे आपका आधा घंटा और चाहिए बस हाफ एन आवर और, और चाहिए एंड देन वी वुड बी डन विद फल फ्लोरल फैमिलीज बहुत फ्रेश माइंड से करने वाली चीजें हैं ट्रिक्स हैं और मैं डिटेल में फ्लोरल फैमिलीज आपको कल कराऊंगी ठीक है तो फल और बीज आज कर लो यस yes. तो इतना फल मांगा है तो शुरू करते हैं बेटा आज का भैया सेशन को लाइक नहीं किया तुमने फल बेटा तभी मिलेगा जब सेशन को लाइक होगा कौन बच्चे है जो हैं जो अफवाहें फैलाते हैं अफवाह फैलाने वाला कौन है अफवाह फैला रहे हैं अफवाह फैला रहे फॉर्म फॉर्म आ आ गया आ गया बेटा कोई फॉर्म नहीं आया वो चेक करना पड़ रहा है मतलब बीच में एनटीए की साइट पे जाके है ना अगर बेटा आ जाता ना ये सेशन यही बंद हो जाता क्योंकि सबसे पहले मैंने ही फॉर्म भरना है मैंने कसम खाई है बेटा सबसे पहले मैं ही फॉर्म भरूंगी तो हाँ जी तो फल क्या होता है फल बेटा वो ओवरी होती है जो पक चुकी है पकी हुई ओवरी ओवरी तो समझ गए ना स्टिग्मा स्टाइल ओवरी नीचे जो ओवरी है जिसके अंदर ओव्यूल है तो यार पकी हुई ओवरी को अपने लोग क्या बोलते हैं फल बोलते हैं इसको राइपन करने के लिए क्या चाहिए अपने को अपने को चाहिए एक हार्मोन पीजीआर दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सिन

वन, फ्रूट इज गोइंग टू सीड फिर बेटा उसका छिलका होगा यानी कि फ्रूट की वॉल अब फ्रूट की वॉल का नाम आपको पता होना चाहिए इसको बोलते हैं अपने पेरिकार्प क्या बोलते हैं अब यार 2022 में एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया था याद है क्या बना हुआ था वो सेब सेब पे क्वेश्चन आया था बताओ कितने बच्चों को वो डायग्राम वाला क्वेश्चन जो कि मैंने कल भी कराया था वो आपको याद है हाँ जी बेटा बताइए कितने बच्चों को वो डायग्राम वाला क्वेश्चन आज भी याद है जी टाइप्स ऑफ फ्रूट्स उसमें हमने वो क्वेश्चन इस फ्लो चार्ट में से था वो क्वेश्चन इस फ्लो चार्ट में से था 2022 का पेपर मैंने परसों ही डिस्कस कराया था और वो सवाल आया था और वो इस फ्लो चार्ट में से था ठीक है सो so, पहले टाइप का फ्रूट इज ट्रू फ्रूट सच्चा फ्रूट दूसरा बेटा झूठा फ्रूट फॉल्स फ्रूट एंड थर्ड फ्रूट ए फ्रूट इज पार्थिनो कार्पिक फ्रूट ठीक पार्थीनो कार्पिक फ्रूट तो ट्रू फ्रूट फॉल्स फ्रूट एंड पार्थीनो कार्पिक फ्रूट हांजी ट्रू फ्रूट वो होता है जिसको बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ओवरी ने हिस्सा दिया है यानी कि ओनली ओवरी पार्टिसिपेट्स ओनली ओवरी इज इन्वॉल्व मोस्ट ऑफ द फ्रूट ओनली ठीक है जो हम खाते हैं वो असली में कौन से है ट्रू फ्रूट फॉल्स फ्रूट वो है जिसमें ओवरी तो है ही है लेकिन इसके साथ फ्लावर के कुछ और पार्ट्स भी हैं जैसे पूरा है जैसे आपने पाइन एपल में देखा है कटहल में देखा है या फिर आ जाता है अलोंग विद ओवरी जैसे आप सेब में देखते हैं जिसका फोटो ट्वेंटी में आया था यानी कि हेयर अलोंग विद ओवरी ओवरी के साथ अदर फ्लोरल पार्ट्स अदर फ्लोरल पार्ट्स दे ऑल्सो पार्टिसिपेट पार्ट्स ऑल्सो पार्टिसिपेट्स ठीक है एग्जाम्पल एग्जाम्पल बेटा आपका एप्पल सेब नाशपति नाशपति क्या होती है पियर इसमें ओवरी के साथ कौन होता है थैलमस होता है यानी कि जो तुम हिस्सा खा रहे हो जो सेब में बेटा व्हाइट व्हाइट अपने खाते हैं नाशपति में व्हाइट व्हाइट खाते हैं, वो क्या खा रहे हैं हम हम थैलमस खा रहे हैं बच्चों तो कल अगर तुम्हारे घर मेहमान आए तो आप मेहमान से पूछेगा क्या आप

और बेटा फॉल्स फ्रूट की एग्जांपल कौन सी है स्ट्रॉबेरी ठीक है बच्चों ठीक है चलो अब अपने मेहमानों को तुमको थैलमस खिलाना है नेक्स्ट पार्थिनोकार्पिक ऐसा फ्रूट विच इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट बनता है एग्जांपल इज केला बनाना और बहुत सारी वैरायटी के ग्रेप्स ग्रेप्स की बहुत सारी वैरायटी भी बिना फर्टिलाइजेशन के बनती हैं ओके जी चलिए तो ये बात हो गई आपके वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट एक तरीके की क्लासिफिकेशन की यार फ्रूट को बनाने में अकेला ओवरी चाहिए या ओवरी के अलावा और फ्लोरल पार्ट भी चाहिए अगले क्लासिफिकेशन करते हैं कि क्या फ्रूट को बनाने के लिए एक ही फ्लावर लगा या मोर देन वन फ्लावर्स लगे इस पे आ जाते हैं सिंपल एग्रीगेट एंड कॉम्पोजिट फ्रूट फ्रूट बहुत ही बेटा बेटा पे है 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 ये चाप्टर, इस इस का का नाम जी, इस का नाम होना फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट 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 है। ठीक थ्री टाइप्स ऑफ बताऊंगी सिंपल जिसको हम आगे अगले पेज पे और क्लासिफाई करेंगे सिंपल फ्रूट नेक्स्ट आता है एग्रीगेट फ्रूट एग्रीगेट फ्रूट एंड कॉम्पोजिट फ्रूट सिंपल फ्रूट एग्रीगेट फ्रूट एंड कॉम्पोजिट फ्रूट ओके जी बना दे चलो जी शुरू करते हैं सिंपल फ्रूट वो है जो कि एक ही फ्लावर से बना है ध्यान देना सो फ्रूट इज फॉर्म्ड बाय सिंगल फ्लावर सिंगल फ्लावर और यार वो सिंगल फ्लावर में सिंगल ओवरी भी हो सकती है सिंगल ओवरी भी हो सकती है या फिर मेनी ओवरीज भी हो सकती हैं जो कि फ्यूज है यानी कि कंडीशन भी हो सकते। लेकिन फ्लावर एक है फ्लावर एक है कार्पल एक भी हो सकता है बहुत सारे भी हो सकते हैं जो कि आपस में फ्यूज सिंपल फ्रूट है एग्जाम्पल अभी आएगा नेक्स्ट है बेटा जी आपका एग्रीगेट फ्रूट ये क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं तुम्हारे पास फ्लावर तो एक ही है सिंगल फ्लावर सिंगल फ्लावर लेकिन बेटा ओवरी जो ओव्यूल्स हैं बेटा जो ओवरी है वो मेनी है मैनी ओवरीज हैं विच आर फ्री नॉट फ्यूज कैसे हैं फ्री है देखो जैसे बेटा ये तुम्हारा एक फ्लावर है बना दे पिंक कलर का फ्लावर बनाते हैं वायलेट कलर का यस ये तुम्हारे पास एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर है इस ब्यूटीफुल से फ्लावर में कह रहे हैं फ्लार एक ही है लेकिन ओवरी बहुत सारी है और फ्री है देख रहे हो ओवरी बहुत सारी है लेकिन फ्री है यस तो ये पता क्या बनाएंगी हर ओवरी तुमको पता है फल बना सकती है तो ये छोटे छोटे फ्लोरेट्स बनाएंगे क्या बनाएंगे फ्रूटलेट सॉरी ये क्या बना सकती है फल बना सकती है फ्रूट बना सकती है तो यार ये ना छोटे छोटे फ्रूटलेट्स बनाएंगे और ये छोटे छोटे फ्रूटलेट्स मिलकर क्या बनाएंगे एक बड़ा फल एग्रीगेट फ्रूट बना देंगे एग्रीगेट फ्रूट बना देंगे जैसे कि स्ट्रॉबेरी रास्पबेरी माइकेलिया लोटस क्यों क्यों मैंने स्ट्रॉबेरी रास्पबेरी का नाम लिखा है जरा एपोकार्पस का एग्जाम्पल देखो एपोकार्पस लिखवाया था क्या लिखवाया था हाँ जी बेटा एपो का जरा एग्जाम्पल देखिए कहा लिखवाया था यार एग्जाम्पल कौन गया इनका हम्म 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 बेटा इनका एग्जाम्पल इधर उधर कैसे हो गया हाँ ये एग्जाम्पल इसका इधर आना था रुको यस हमने एपो के एग्जाम्पल में क्या लिखा था ये देखो माइकेलिया लोटस रोज स्ट्रॉबेरी रास्पबेरी यानी कि इसके पास कैसी ओवरी थी एपोकार्पस थी और यहाँ पे जो अपने बात कर रहे हैं वो किस ओवरी की कर रहे हैं एग्रीगेट फ्रूट में एपोकार्पस ही तो है, है कि नहीं भैया एपोकार्पस है ना तो तुम्हें क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है यार उधर सिंपली ओवरी के बारे में बात कर सकते हैं और यहाँ पर एग्रीगेट फ्रूट के बारे में बात कर सकते हैं एग्रीगेट फ्रूट में फ्लावर एक है बट बहुत सारी फ्री ओवरीज है यानी कि एपोकार्पस कंडीशन इसमें प्रेजेंट है तो एग्जांपल आपकी वही वाली होंगी दैट इज माइकेलिया रोज लोटस रास्बेरी स्ट्रॉबेरी है ना बच्चों यस यस बात समझ आया एग्जांपल बेटा आपकी वही वाली होंगी तो ये छोटे छोटे क्या बनाते हैं फ्रूटलेट्स बनाते हैं जो कि बड़ा होकर एक एग्रीगेट फ्रूट कहलाता है सो so, एग्जाम्पल यहां पर एपोकार्पस वाली ही होंगी तो यहां पर फ्री ओवरी के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं एपोकार्पस सो द एग्जाम्पल्स आर माइकेलिया यस और आएगा आपका स्ट्रॉबेरी रास्पबेरी ठीक है बच्चों चलो नेक्स्ट आता है कॉम्पोजिट फ्रूट कॉम्पोजिट फ्रूट वो है जिसको बनाने के लिए फ्लावर नहीं पूरा का पूरा इनफ्लोरेसेंस हिस्सा ले रहा है जैसे कि कटहल जैसे कि पाइन एप्पल पूरा का पूरा इनफ्लोरेसेंस इन्वॉल्व है सो होल इनफ्लोरेसेंस इज इन्वॉल्व फ्लोरिस इज इन्वॉल्व अगर पूरा इनफ्लोरिस है यानी कि बहुत सारे फ्लावर्स हैं, मेनी फ्लावर्स हैं। अगर बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मेनी ओवरीज हैं, मेनी ओवरीज हैं। एग्जांपल पाइन जैकफ्रूट, जैक बच्चों जैकफ्रूट आ गया फिग्स आ गए ठीक है मलबेरी शैतूत जिसके नाम पे मोरूला भी था मालबेरी शैतूत ये सब क्या है आपके कॉम्पोजिट फ्रूट है क्या है कॉम्पोजिट बेटा जी फ्रूट है तो तीन तरीके के फ्रूट समझ आए बच्चों के नहीं पहला है सिंपल सिंपल में क्या है एक ही फ्लावर है या तो उसके पास एक कार्पल है या फिर अगर एक से ज्यादा है तो वो है सिन कार्पस कंडीशन है नेक्स्ट आता है आपका

बच्चों ओहो रुको यस दो तरीके का होता है भैया सिंपल फ्रूट पहला ड्राई फ्रूट क्या मैं वो ड्राई फ्रूट की बात कर रही हूं जो तुम खाते हो सुबह बादाम अखरोट काजू नहीं बेटा वो असली में ड्राई फ्रूट है ही नहीं बादाम इज नॉट इवन अ ड्राई फ्रूट ठीक है वो एक्चुअली uh, में फ्लैशी फ्रूट है एक तरीके का बट फिर भी अपने ड्राई उसको वहां पर बोल देते हैं बॉटनी में वो ड्राई फ्रूट नहीं है ओके okay, तो यहां पर ड्राई फ्रूट कौन है yes, और फ्लैशी फ्रूट कौन है यस ड्राई फ्रूट एंड फ्लैशी फ्रूट थोड़ा सा बेटा मैं बाहर जा रही हूं क्योंकि इस पर सवाल आ जाते हैं अभी मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी जिसपे सवाल आ जाएगा ड्राई फ्रूट वो है जिसका पेरी कार्प फ्रूट की वॉल इज नॉट फर्दर डिफ्रेंशिएटेड इसमें कोई एंडोकार्प मीजोकार्प ये सब नहीं बन रहा नॉट फर्दर डिफ्रेंशिएटेड पेरिकार्प पेरिकार्प ही है ठीक है दो तरीके का हो सकता है ये डेहिसेंट हो सकता है जो फट जाएगा मेच्योर होने पे या फिर क्या हो सकता है इनडेहिसेंट जो कि रप्चर नहीं होगा ठीक है जी फ्लैशी फ्रूट वो है जिसका पेरिकार्प आगे डिवाइडेड है ठीक है तीन हिस्सों में कौन कौन से हिस्सों में एपिकार्प बाहर वाला देन मीजोकार्प मीजोकार्प एंड देन आपका अंदर वाला एंडोकार्प एंडोकार्प ठीक है वो हो जाएगा आपका फ्लैशी फ्रूट जैसे कि आपके बेरीज हो गई टमाटर हो गया पेरीज, चिलीज, ओके तो ये हो जाएंगे आपके सिंपल में फ्लैशी फ्रूट जिसमें पेरी के साथ साथ पेरी को डिवाइड कर दिया गया है किसमें एंडोकार्प अंदर वाला मीजोकार्प बीच वाला और एपिकार्प बाहर वाला अब यार मैं सिंपल फ्रूट्स आपको कुछ यहां से दिखाना चाहूंगी बने हुई फोटो यस लेट मी जस्ट शो यू हाँ ओके तो बात करते हैं बेटा सबसे पहले टमाटर की सिंपल फ्रूट्स के एग्जाम्पल की बात फिर मैं इस डायग्राम पे भी आते हूं हाँ जी सबसे पहले नंबर पे आप क्या याद करोगे बेरी बेरी में आ जाएगा टमाटर ठीक है नेक्स्ट नाम दिया हुआ एनसीआरटी में ड्रूप का ड्रूप क्या होता है ड्रूप वो होता है जिसका जो एंडोकार्प है एंडोकार्प है वो कैसा होता है स्टोनी होता है कैसा होता है स्टोनी होता है दैट फ्रूट इज कॉल्ड एज ड्रूप ठीक है एग्जाम्पल मैंगो मैंगो की गुठली है ना वो स्टोनी है ठीक है मैंगो और क्या आ जाएगा कोकोनट क्या आ जाएगा कोकोनट ठीक है जी यहां पर उसी की आपको एग्जाम्पल दी हुई है जरा देखिए ये कौन से फ्रूट हुए ये बेटा कौन से फ्रूट हुए जिसमें एप्पी का मीजो कार्प, एंडो कार्प की बातें करी गई सिंपल फ्रूट की एग्जांपल है है ना पहली चीज सिंपल फ्रूट की एग्जांपल है अब यार मैंगो को जरा ध्यान देखो मैंगो के बीच में क्या है सीड है ठीक है मैंगो का बीच में क्या है सीड है, है? है और जो तुम पार्ट खाते हो मैंगो का यही तो खाते हो यही पल्प होता है ये क्या है इसका मीजो यानी कि ये जो मीजो है ये मैंगो का एडिबल पार्ट है कैन यू कॉल दिस एज द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो यस और उसके बाहर की जो कवरिंग है वो क्या है आपका वो क्या है वो क्या है बेटा यहाँ पर एंडोकार्प है सो स्टोनी so, जो हार्ड पार्ट ऑफ नारियल स्टोनी लेकिन जो नारियल में हम पीते हैं वो तो क्या होता है एंडोस्पर्म प्री न्यूक्लियर एंडोस्पम जो हम रोज क्लास में मेरे साथ तुम लोग शेयर भी करते हो तो ऐसे फ्रूट्स जिनका एंडोकार्प स्टोनी होगा उस फ्रूट को तुम क्या बोलोगे ये लिखा हुआ उस फ्रूट को बेटा जी क्या बोलोगे ड्रूप बोलोगे याद करो मेरे साथ ड्रूप बोलोगे ड्रूप की एग्जांपल क्या रहेगी मैंगो कोकोनट मैंगो कोकोनट मैंगो कोकोनट ठीक है जी यस yes, याद रहेगा ओके सो दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज एंड आर वन सीडेड

इन केस ऑफ कोकोनट बेटा विच इज ऑल्सो ड्रूप द मीजो कार्प इज फाइब्रस ये जो मीजो बेटा तुम्हें यहां पर दिखाई दे रही है एक तो बाहर का एंडोकार्प हो गया अंदर बेटा जो बाल बाल वाला पार्ट है वो क्या है आपका मीजो कार्प तो याद रखना है कोकोनट के अंदर मीजो कार्प इज एक्चुअली फाइब्रस ठीक है बच्चो मीजो कार्प इज फाइब्रस ओके चलिए तो यार यहां पर ड्राई फ्रूट्स में अगर बात करें इन रिसेंट की एक्साम्पल यहीं पर लिख देती हूँ यहां पर आ जाएंगे लेग्यूम यस yes, किसका एग्जाम्पल आ जाएगा लेग्यूम ब्रासिका ओके okay, ड्राई फ्रूट में बेटा डहीसेंट में अगर एग्जाम्पल लिखे क्रायोप्सिस कैरियोप्सिस जो कि हमें किसमें देखने को मिलता है सीरियल्स में देखने को मिलता है किसमें देखने को मिलता है सीरियल्स में देखने को मिलता है ये इंपॉर्टेंट है बेटा और इसमें आ जाएंगे नट्स और इसमें क्या आ जाएंगे नट्स Example number वन is this. Example number टू is nuts like lychee and cashew nut. Okay? Yes. हो गई बात चलिए तो फल यहां पर खत्म yes. क्या फल पे बात खत्म होती है फल के अंदर तो क्या होता है बीज होता है यस yes, फल के अंदर बेटा क्या होता है बीज होता है बीज यानी कि सीड इंपॉर्टेंट फॉर डिस्पर्सल एंड इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट टू सरवाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन क्योंकि ये डॉर्मेंसी प्रोवाइड करता है और अनफेवरेबल कंडीशन में टाइम भी गुजार देगा प्लांट का ठीक है तो सीड क्या होता है सीड आपको पता है सीड क्या होता है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है बस लास्ट पार्ट है बेटा आज के लिए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है वहां पर जो हमने किया था ओव्यूल की इंटेग्यूमेंट्स इंटेग्यूमेंट्स बेटा अल्टीमेटली क्या बनाती हैं सीड कोट बनाती हैं क्या बनाती हैं सीड कोट बनाती हैं अब एक एंजियोस्पर्मिक सीड के पास क्या क्या है अगर मैं बात करूं एक एंजियोस्पर्मिक सीड के पास क्या क्या है हाँ जी सीड के अंदर अगले फ्यूचर प्लांट का सामान होगा दैट मीन सीड के अंदर क्या होगा एम्ब्रियो होगा सीड के अंदर उसको न्यूट्रिशन देने के लिए क्या होगा भैया एंडोस्पर्म होगा सीड की कवरिंग भी होगी जिसको अपने लोग बोलते हैं बताओ बेटा सीड सीड कोट कोट और कोट में जो आउटर कोट है ये क्वेश्चन आया हुआ है कि नहीं आया हुआ टेस्टा द आउटर कोट इज कॉल्ड एज टेस्टा प्रैक्टिकल्स में भी आता है द इनर कोट इज कॉल्ड एज टेगमेन ठीक है आउटर कोट इज टेस्टा इनर कोट इज टेगमेन और बेटा क्या होता है सीड के ऊपर ना एक दाग होता है जैसे बेटा एक ह्यूमन की बात करें ह्यूमन का जब जन्म होता है तो यार वो अपने बच्चे से कैसे अटैच होता है, एक, uh, होता है तो का ना एक मार्क सीड के ऊपर भी रह जाता है उसको अपने लोग बोलते हैं हाइलम हाइलम एक दाग है जैसे तुम्हारे नाभि है ना तुम्हारी नेवल नाभि एक दाग है जो प्रूफ करती है कि तुम अपनी मम्मी से यहीं से अटैच थे वैसे बेटा इसके ऊपर भी एक दाग है इसके ऊपर भी एक दाग है यानी कि स्कार है जो प्रूव करता है कि ये प्लेसेंटा से अटैच था ठीक है और क्या होता है सीड की एक ओपनिंग होती है जहां से रूट और शूट निकलता है जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल माइक्रोपाइल क्या है एक ओपनिंग है जहां से नया पौधा निकलेगा ओके okay, तो ये सारा सामान एंजियोस्पर्मिक सीड के अंदर होता ही होता है अब जैसा कि हमने एस आर एफ पी में किया था दो तरीके का सीड होता है एक वो जो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर ले एक वो जिसमें एंडोस्पर्म रह जाए यानी कि एल्ब्यूमिनस एंड एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स होंगे दो तरीके के होंगे रेपिटेशन है बेटा ये जो फ्लो चार्ट है ये रिपीट करना पड़ रहा है मुझे क्योंकि इस चैप्टर में भी दिया हुआ है तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है ठीक है प्रैक्टिस हो रही है तो दो तरीके का सीड होगा पहला एंडोस्पर्मिक एंडोस्पर्मिक जैसे बेटा एंडोस्पर्म रह जाएगा या फिर एल्ब्यूमिनस एल्ब्यूमिनस दूसरा नॉन एंडोस्पर्मिक जिसको बोलेंगे एक्स एल्ब्यूमिनस इसको नॉन एल्ब्यूमिनस भी बोल सकते हैं तो एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक हां जी एंडोस्पर्मिक सीड कौन से हुए जिसमें बेटा एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं होगा एंडोस्पर्म रिमेन्स इन सीड यानी कि नॉट कंज्यूम्ड नॉट कंज्यूम्ड फुली एग्जाम्पल बताइए पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं होता है इसमें एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी मोनोकॉट्स अगेन एक्सेप्शन होंगी मैं एक्सेप्शन भी बताऊंगी तब भी बताई थी हाँ जी इधर देखते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक जिसमें एंडोस्पर्म जो है वो यूज हो जाता है पूरा का पूरा कंज्यूम्स गेट्स कंज्यूम्ड फुली द इज गोइंग टू बी के अंदर नहीं रहता है वो कंज्यूम हो जाता है अब बेटा दो एक्सेप्शन है यहाँ पर पहला एक्सेप्शन मैं आपको बताने वाली हूँ ऑर्किड्स का ऑर्किड क्या होते हैं ऑर्किड होते हैं भैया मोनोकॉट लेकिन उनके पास जो बीज होता है वो कैसा होता है एक्स एल्ब्यूमिनस होता है ठीक है ऑर्किड्स आर वैसे तो मोनोकॉट यहां पर इस डब्बे में एक्सेप्शन लिख रहे हैं बट बेटा इस केस में यहां पर एक्सेप्शन आएगा ऑर्किड्स का एक्सेप्शन इज ऑर्किड कि ऑर्किड मोनोकॉट होते हुए भी आपका एक्स एलब्यूमिनस सीड वाला में आ जाता है इधर जो एक्सेप्शन आएगा वो आएंगे बड़े सारे कैस्टर एक डायकॉट है सनफ्लावर एक डायकॉट है सम फ्लावर्स ऑफ सोलिनेशिया फैमिली सम फ्लावर्स ऑफ सोलिनेशिया फैमिली ये सब डाइकउ होते हुए भी एंडोस्पर्मिक सीड रखते हैं तो अभी कभी याद करिए मेरे साथ बेटा ये सामने याद करिए yes. जिसको बड़ी खांसी आ रही है मास्टर शाहिद गर्म पानी पिया करो यार बहुत खांसी आ रही है तुमको है बहुत खांसी आ रही है कॉफ कॉफ हो रहा है हैं? यस yes. कैस्टर हो गया सनफ्लावर हो गया एंड सम फ्लावर्स ऑफ फैमिली वो सब हैं तो डायकॉट लेकिन बेटा आते किसमें हैं एंडोस्पर्मिक वाले में आते हैं ठीक है ये yes? चलो अब टिपिकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं वैसे तो यहाँ बना हुआ है मैं तो बताऊ बता दूंगी यहीं पे ये देखो एक सीड के पास कौन कौन से पार्ट होते हैं टेगमेंट सीड कोट हाइलम जो कि नाभि की नाभी कामस एक तरीके से माइक्रोपाइल जो कि ओपनिंग है और बेटा अब हम बनाएंगे फोटो ऑफ डायकोट सीड एंड मोनोकॉट सीड टिपिकल डायकॉट सीड बनाएंगे और फिर टिपिकल मोनोकॉट सीड बनाएंगे और आज का चैप्टर समाप्त करेंगे ओके okay, कल का सेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्यों कल कल का सेशन इतना इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि मैं आपको सारी फ्लोरल अच्छे से कराने वाली और एक क्वेश्चन वहां से आता ही आता है ठीक है टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ डायकॉट सीड ठीक है कल बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने स्पेशली नहीं तो मैं आज भी करा सकती थी एक घंटा आधा घंटा और लगना था बट आई वॉन्टेड इट टू टीच इट विद्रेश माइंड एंड एंड वॉन्टेड इट यू टू लर्न विद्रेश माइंड अगर आप फ्रेश माइंड से सीखेंगे तभी फायदा हो पाएगा बिना फ्रेश माइंड के वो चीजें नहीं समझ आती हाँ जी तो एक या डायकॉट सीट जब अपन देखते हैं तो सेंटर में क्या प्रेजेंट होती है सेंटर में बेटा प्रेजेंट होती है एम्ब्रियनल एक्सिस तो ये जो मैंने बनाई है ये एम्ब्रियनल एक्सिस है इस एम्ब्रियनल एक्सिस के अराउंड यहां पर ये क्या है कॉटिलेडन डायकॉट है तो कितने कॉटिलेडन होंगे दो कॉटिलेडन होंगे तो फटाफट से मेरे साथ साथ लेबल करिए ये क्या है एम्ब्रियनल एक्सेस और ये जो दो यहाँ पे गुलंडे मैंने बनाए हैं ये भी और ये भी ये क्या है बेटा जी कॉटेलिडंस कॉटेलिडंस ठीक है अब ये कॉटेलिडन आपकी एम्ब्रियोनल एक्सेस में ऊपर कहां पर जुड़े हुए हैं ये पॉइंट यस yes. जुड़े हुए हैं जुड़े जुड़े हुए हुए हैं। हैं? हैं, इस पॉइंट को अपने लोग क्या बोलते पर ये ऊपर नीचे जो पे कहा जुड़े हुए uh, हैं, उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल यानी कि ये हो गया आपका एपिकोटाइल और ये क्या हो गया आपका हाइपोकोटाइल सो लेट मी जस्ट लेबल इस पोर्शन को क्या बोलोगे एपिकोटाइल ठीक है यानी कि दैट पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस वेयर ज्वाइंस ऑन द अपर पार्ट ठीक है या फिर अपर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बोल सकते हो लोअर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या रहेगा हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल। अब मान लो ये तुम्हारा एपिकोटाइल है और ये तुम्हारा हाइपोकोटाइल है

रूट है ठीक है सो so, ये बात होगी डायकॉट के सीड की डायकॉट का बीज ऐसा दिखाई देता है अब अपने करने वाले हैं मोनोकॉट के सीड की लास्ट पार्ट फॉर टुडे दैट इज टिपिकल स्ट्रक्चर टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड्स टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड्स ठीक है जी चलिए टिपिकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं अब मोनोकॉट के सीड में कितना कॉटिलिडन होता है एक ही होता है ना तो ऐसा कुछ दिखाई देता है भैया मोनोकॉट का सीड ये देखिए यस इसके अंदर आपका एक ही कॉटिलिडन होता है तो ये जो मैंने बनाया ना सिंगल कॉटिलिडन सिंगल कॉटिलिडन इसका नाम है इसको नाम देते हैं स्क्यूटेलम स्क्यूटेलम दिस इज सिंगल कॉटिलिडन ध्यान दो बेटा दिस इज दिंगल कॉटेलिडन ऑफ मोनोकॉट्स ठीक है एक ही कॉटेलिडन होगा और प्रेजेंट है this cotyledon is present अभी क्या भी याद करो। इनका cotyledon कैसे present है? Present है। तो बंदे को स्क्यूटेलम तो याद रहता है लेकिन पोजिशन भूल जाता है लेटरल पोजिशन है अब यार इस कॉटिलिडन के पास ये जो हिस्सा होगा ये प्लिम्यूल का होगा मान लीजिए और ये जो हिस्सा होगा ये रेडिकल का होगा तो इसको लेबल करते हैं दिस इज प्ल्यूमूल इसको मैं बड़ा करके बताती कवरिंग है।, है? कवरिंग है जैसे मैं यहां पर बनाऊ प्लिम्यूल की भी ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है और रेडिकल की ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है प्लेम्यूल की प्रोटेक्टिव कवरिंग को बोला जाता है कोलियोपटाइल यस इसका क्या नाम हो जाएगा क्या है ये प्लुम्यूल की कवरिंग है ठीक है नीचे था आपका रेडिकल रेडिकल की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग रेडिकल में, में भी आर आता ठीक है रेडिकल में, में भी आर आता है ठीक है तो याद रखना है मोनोकॉट के पास सिंगलिड कैसा प्लेस है लेटरली नाम क्या है स्क्यूटेलम उसके पास तुमको दिखाई देगा प्लुम और रेडिकल की जो कवरिंग है दैट इज कॉलियोटाइल रेडिकल की जो डायरेक्टिव कवरिंग है उसको बोलते हैं कॉलियो राइजा ठीक है अब ऊपर ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है तुम बोलोगे मैम आपने तो ये नीचे नीचे बना दिया ये ऊपर क्या आइटम है ऊपर का आइटम भी बेटा बना देते हैं यस yes. ये ऊपर मैंने क्या बनाया है दिस इज एंडोस्पर्म ये क्या है बेटा जी एंडोस्पर्म है ठीक है सो दिस इज एंडोस्पर्म कैसा एंडोस्पर्म है ट्रिप्लॉइड

Proteinaceous layer है है endosperm है है किसके के ठीक इसके बारे में क्या खास बात लिखेंगे It is around endosperm. क्या है क्या इसके पास जो germination में help करते हैं कैसे कैसे एंजाइम अल्फा एल्फाइलेज है इसके पास अमाइलेज है लाइपेज है ठीक है देन बेटा मदद किस में करेगा सीड जर्मिनेशन में इन एंजाइम्स की मदद से सीड को जर्मिनेट करने में यही एलियोर लेयर मदद करती है ठीक है बच्चों, राइट क्लियर हो गया मोनोकॉट का सीड नीचे क्या है तुम्हारे पास कॉटेलेडन है सिंगल स्क्यूटेलम उसके पास प्लेम रेडिकल प्लेम की कवरिंग नीचे रेडिकल की कवरिंग ऊपर क्या है एंडोस्पोम के बाहर की लेयर क्या है एल्योर लेयर है और वो एलियोर प्रोटेक्टिव लेयर है वो बेटा प्रोटीनिशियस लेयर है सीड जर्मिनेशन में मदद करती है और उसके पास एनजाइम है एंड प्रोटीस एंजाइम है अब यार एक बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है तुम बोलोगे मैम ये जो आपने वॉल बनाई है ये क्या है मैं बोलूंगी भैया सीड वॉल है लेकिन याद करने वाली बात यह है याद करने वाली बात यह है इन केस ऑफ दैट मोनोकोट जो सीड की वॉल है वो फ्रूट की वॉल से जुड़ी होती है तो इसकी लेबलिंग सिर्फ सीड वॉल नहीं आएगी इसकी लेबलिंग सीड का कोट भी आएगी और फ्रूट की वॉल भी आएगी यस yes, याद रखना है यानी कि केस ऑफ व्हीट राइस मेज ट इज फ्यूज विद फ्रूटवॉल अगर आप एनसीआरटी भी देखेंगे हांजी बेटा एनसीआर भी देखेंगे तो यहाँ पर इसने लेबलिंग में ये चीज हाईलाइट कर दी यानी कि आप लोग यहाँ पर मैंशन कर लीजिए इनकेस ऑफ में फैमिली पोएसिया फैमिली ये जो सीड कोट है इट इज फ्यूज विद हांजी फ्रूट वॉल ओके बेटा तभी बेटा यहाँ पर इसने सीड कोट एंड फ्रूटवॉल इकट्ठा लेबल किया है हां जी साथ में मैंने आपको भी बना, दिया। भी बना दिया देख रहेन लेयर भी देख ली कोलेपटाइल देख लिया प्लूमुलडिकल देख रेडिकल देख, देख लिया सारी लेबलिंग अपनी डन है फोटो भी आ जाएगी तो भी अपने पहचान जाएंगे है ना बच्चों फोटो भी आ जाएगी तो भी पहचान जाएंगे हाँ जी हुर टॉकिंग ये कौन है जो टॉकिंग कर रहे हैं और बच्चों को परेशान कर रहे हैं भैया नहीं बेटा डाउट्स के लिए आप ज्वाइन करेंगे आज का डाउट ठीक है आज का डाउट अगर आप प्लस के स्टूडेंट है क्रैश कोर्स से आपके पास प्लस वाला तो तो यार मेरा सेपरेट ग्रुप है डाउट ग्रुप फिजिक्स का भी है केमिस्ट्री का भी है बायोलॉजी का भी है जिसमें मैं डीपीपीज भी शेयर करती हूँ और आपके डाउट्स भी सॉल्व करती हूँ लेकिन अगर आप सिर्फ यूट्यूब से पढ़ते हैं तो आपके पास डाउट सोल्व करने के दो माध्यम है एक तो यार स्पेशल क्लास पे आओ थोड़े चांसेस कम होते हैं वहां पर या फिर आज का डाउट फीचर पे डालिए ठीक है यस तो विद दिस वी आर डन विद सीड आल्सो सारे सीड्स अपने ने कर लिए ये भी बात कर ली अब यार अगर तुम ये चैप्टर पढ़ लोगे ना

हमारे दो पेजेस बच गए हैं जो कि एक सेपरेट एंटिटी है अपने आप में वो अपन लोग करेंगे कल ठीक है तो सेशन को यार लाइक नहीं किया क्योंकि एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी तो ले जाओ वन वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज कमिंग राइट एट योर वे दैट इज दैट इज आज 21 है हां कल 21 है कल बेटा आखिरी दिन है क्रैश कोर्स में 20% ऑफ पाने का यस yes. कल आखिरी दिन है बेटा जी क्रैश कोर्स में 20% ऑफ पाने का ये रहा मेरा क्रैश कोर्स जिसमें बता रही है ना मेरा मेंटोरशिप ग्रुप है जहां डाउट सॉल्विंग होती है डीपीपीज मिलती हैं वो मेंटोरशिप ग्रुप में हिस्सा लेने का कल आखिरी दिन है अभी बेटा जो आपके सामने प्राइस चल रहा है वो कितना चल रहा है 2799 यानी कि 2799 कोड बस आपको मेरी मेंटोरशिप के लिए क्या लगाना है सीप्लाईव लगाना है क्या लगाना है बच्चों सीप्लाईव कोड लगाना है 20% ऑफ है कल तक सिर्फ कल तक बेटा उसके बाद छुट्टी है बस इसके बाद कोर्स 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 आएगा 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 मैं ये नहीं नहीं कह रही हूं, कोर्स नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा। क्रैश 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 ही आएगा। बट वो सुपर डुपर होगा इस क्रैश में तो फिर भी एक चैप्टर को पांच दिन दिए जा रहे हैं चार दिन दिए जा रहे हैं टाइम से हो रहा है सब कुछ लेकिन बेटा अब इससे अगला जो कोर्स आएगा ना ऐसा नहीं है कि हम लोग कोर्स निकालना बंद कर देंगे जो कि गलत हो जाएगा हर बच्चे के लिए वो चीज गलत है नया कोर्स आना अति आवश्यक है क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी सीरियस होना चालू हुए हैं जो जनवरी में हो गए थे उनके लिए तो बेस्ट है

कोटा में जाने का कोई अब यूज नहीं बचा है ठीक है क्योंकि सारे अच्छे टीचर्स तो तुम्हारे सामने हैं है ना सबसे अच्छी पढ़ाई तो हम यहीं पे कर रहे हैं ऑन यूट्यूब कर रहे हैं ऑन अवर क्लास कोर्स कर रहे हैं ओके okay, तो विद दिस वी आर डन विद मॉर्फोलॉजी फ्लोरल फैमिली ट्रिक्स का सेशन हम कल करेंगे सेम टाइम पे साढ़े बारह बजे अब मैं आपको मिलने वाली हूँ शाम को पांच बजे ठीक है कब मिलने वाली हूँ शाम को पांच बजे तो पीवाई क्यू मैराथन है प्लीज उसको अटेंड करिए ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेंगे टेलीग्राम मेरे ही नाम से है सीप पाउजा बायोलॉजी क्या है सीप पाउजा बायोलॉजी एक लाख तीस हजार से अधिक बच्चे हैं उसी को ज्वाइन कीजिएगा कमेंट्स में भी डाल देना दूसरे बच्चों का थोड़ा भला हो जाएगा राइट तो मिलते हैं पांच बजे विद पीवा क्यू मैराथन और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आज शाम को होने वाली है हाँ बहुत बड़ी अनाउंसमेंट समथिंग बिग इज कमिंग एंड दैट आई विल अनाउंस इन द इवनिंग ओके दाइज चलो मिलते हैं बाय बाय टेक केयर डू लीव द कमेंट अगर सेशन अच्छा लगता और लाइक भी करिएगा